तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में जो आप देख रहे हैं ये है नाग पुष्प। नाग की तरह ये होता है, इसे नाग पुष्प बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो पीठ सेंट से हमारी यात्रा ऊपर को शुरू हुई। पीठ सेंट से बिंदेश्वर महादेव का जो दूरी है वो 11 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। 11 किलोमीटर आना, 11 किलोमीटर जाना। प्रकृति के साथ प्राकृतिक रास्ता है ये, पहले से बना है, वन विभाग के अंतर्गत आता है। 6 फीट का जो एक ट्रैक बना हुआ है। और ये इस रास्ते में हम गए थे अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी अच्छा रहा। इधर का प्रकृति से भरपूर है, बहुत ही रोचक तथ्यों से भरपूर जंगल है, काफ़ी घना जंगल है। और इस जंगल में हमने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि ऐसा लगा जाने के बाद जैसे यहाँ कोई आता ही नहीं होगा, अनटच लग रहा था। पूरे हरे भरे पेड़, देवदार के पेड़, चौड़ी पत्ती से भरपूर पेड़। प्राकृतिक धारा है, इसका पानी जो है ना यहाँ पर आधे रास्ते में बड़ा, इतना ठंडा पानी है ना ये, इतना देर आप इसमें 2 मिनट 4 सेकंड में उंगली लगा सकते हो। देखो इतना ठंडा है, फ्रिज से भी ठंडा पानी है, बढ़िया पानी पी लेता हूँ। तो हम थोड़ा इधर बैठे हैं, हम ला रखे अपने साथ केले ला रखे, ताकि ये डिस्पोजेबल आइटम है, आराम से खराब हो जाएगा। प्राकृतिक है ना ये, इसीलिए जो भी आए ऐसे आइटम लाए जो यहाँ डिस्पोज हो जाए। प्लास्टिक प्लास्टिक सब मन चीज़ें ना लाएं, नेचर को नेचर रहने दें भाई लोग, मिलेंगे। तो अंत तो हम पहुंच गए बिंदेश्वर महादेव के चरणों में। और मंदिर दूर से हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा हमें। अभी ये मंदिर को अभी साइन मार रहा है क्योंकि इसके जो पत्थर हैं पुराने पत्थर हैं, इनको पॉलिश किया गया है। बगल में आप जो मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर इस टाइप का था, लेकिन इसके पत्थर को पॉलिश किया गया है। और इसका पॉलिश करने के बाद बहुत अच्छा है। उसके बाद हम स्नान करने गए, स्नान करने यहाँ पर हमने बहुत मस्ती मस्ती करी। आप भी देखिए वीडियो में, हम सब ने कितनी अच्छी मस्ती करी। पानी बहुत ठंडा है यहाँ का, ठंडे पानी में कसम से नहाना बहुत ही टफ है, बट भोलेनाथ की कृपा है कि हमने इस पानी में नहाया, फुल एंजॉय किया और पूरा मजे बहुत लेट तक नहाया। क्या बोलते हैं, इसके सबसे ज्यादा निकल रहा है, दिख रहा है, ठंडे पानी में नहाने के बाद महादेव होने के बाद हमने अपनी धार्मिक पोशाक पहन ली है और हम जल चढ़ाने जाते हैं। इसके बाद अब शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद हमने यहाँ पर करके सेवा, यहाँ पर भंडारा हो रहा था। और जहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं, अभी बाहर रखी हुई हैं गणेश भगवान की, शिवलिंग वगैरह। इसका अभी ये है कि मंदिर अभी रेनोवेट हो रहा है तो इसकी वजह से ये सब कुछ बन रहा है। और हमने भंडारे में सेवा दी अपनी, यहाँ पर भंडारा हो रखा था, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान की कृपा थी, हमें यहाँ सेवा का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। भंडारे में यहाँ हम सेवा दे रहे हैं, हाँ हमको अच्छा बहुत सौभाग्य मिला हमको, काफ़ी अच्छे पूरी पूरी उगा दी है हमारे स्वामी ने, ये मस्त एकदम। बन गई बन गई सब चीज़ है। ओ हो शहरी थे यार, उंगली भी ला दीजिए। हाँ ठंडे का मौसम है, बारिश होने वाली है, चाय वाय पी लेते हैं। चाय वाय पीने के बाद अभी काम हम करते, भंडारा खाएंगे, देखते हैं मौसम पानी कैसा है। तो सारे भक्त सन बना रहे हैं यहाँ पर भंडारे में, कर रहे हैं सहयोग। यस्सु दिखा रहा है अपना वो, दिखा रहा है मतलब कला दिखा रहा है कि मैंने हाथ से बना दी है रोटी। और इधर ये लोग भंडारा बांट रहे हैं। और उसके बाद हमने इनको बाहर लोगों को खिलाया। ये सारे श्रद्धालुगण यहाँ आए हुए थे, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं दूर दूर से। हम जब यहाँ पर गए ना तो हमने यहाँ पर शुरू किया, वो लोग हमारे पहचान के निकले और हमने खाना वाना बनाया। और उनने काफ़ी अच्छा हमारे को व्यवहार, बहुत अच्छा रहा उनका व्यवहार हमारे लिए, बहुत ही इज्जत से हमसे बात करे, बोले यार हमने उनका सहयोग किया तो उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ लेके आया, क्योंकि वहाँ पर कोई और था नहीं। फाइनली हमने भी खाना खाया और मैं हो गया, हमारे सारे साथ के दोस्त जितने भी थे। फिर हम मंदिर के दर्शन हमने दोबारा किए, एक बार मंदिर को हमने चरण स्पर्श करे और उसके बाद हम निकले अपनी यात्रा। दूसरी ये पड़ाव था जो हमारा, ये कह सकते हैं अब ये पड़ाव हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मशिला। ब्रह्मशिला में हमारे साथ क्या हुआ? ब्रह्म डम को हम निकले थे, हमारे साथ गाइड थे, चार गाइड,
चार बार आ चुके। ब्रह्मुडिन को पता ही नहीं ब्रह्मुडिन कहाँ है, ये जगहों में हमको भंग ही दिया इन्होंने। वो गूगल मैप पर सहारा ले लें और यहाँ गूगल मैप चलेगा नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। और मौसम देखो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा, पूरा कोहरा छा रखा गजब वाला।